बूंद बूंद से सागर भर जाता है और छोटे छोटे एफर्ट से बड़ी जंग जीती जा सकती है। मैं हूं विनी 94.3 माय एफएम से, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते सुनाती हूँ कहानी एक राजा के राज्य की, जहां पर एक बहुत ही भयानक महामारी फैली हुई थी। महामारी से लगातार लोग मर रहे थे और राजा बहुत चिंतित था। राजा अपनी तरफ से बहुत सारे प्रयास कर चुका था, लेकिन महामारी से उसके राज्य को मुक्ति ही नहीं मिल रही थी। दुखी होकर भगवान के सामने रोते हुए घुटनों पर बैठ गया राजा और बोला, ईश्वर आप ही कुछ मदद कीजिए, मैं कैसे अपने राज्य को, अपने राज्य के नागरिकों को इस महामारी से बचाऊं। तभी अचानक एक भविष्यवाणी होती है और भविष्यवाणी में कहा जाता है कि हे राजन, अगर तुम्हारे राज्य के प्रत्येक घर से अमावस्या की रात को राज्य के बीचों बीच जो सूखा कुआं है उसमें एक एक बाल्टी दूध डाला जाएगा तो अगली ही सुबह से महामारी अंत हो जाएगी और लोगों का मरना भी बंद हो जाएगा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, उसे आस की एक किरण नजर आने लगी। उसने तुरंत पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि इस अमावस्या की रात हर घर से एक एक बाल्टी दूध उस सूखे कुएं में डालना सबके लिए अनिवार्य होगा। सब लोग इसकी तैयारी में लगे हुए थे। एक बूढ़ी और कंजूस महिला वहां रहती थी जो कि बहुत कनिंग थी और उसके मन में काफी शातिर ख्याल आते थे। उसने सोचा, सारा गांव तो कुएं में दूध डाल रहा है, अगर मैं एक अकेली दूध की जगह एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। और उसने वही किया। अमावस्या की रात बीती, अगली सुबह आई, मगर ये क्या, महामारी के हाल तो जस के तस थे, लोगों का मरना भी बंद नहीं हुआ था। राजा बहुत चिंतित हुआ और तुरंत उस कुएं के पास पहुंचा। वहां जाकर देखा तो ये क्या, पूरा कुआं पानी से भरा हुआ था, उसमें दूध की एक बूंद भी नहीं थी। राजा समझ गया कि जिस राज्य के लिए, जिन नागरिकों के लिए मैं ये सब कुछ करना हूं या उन्हें बचाना चाहता हूं, शायद वो खुद ही नहीं बचना चाहते। एक्चुअली उस बुढ़िया की तरह ही वहां के बाकी सारे लोगों ने भी यही सोचा था कि अगर सिर्फ हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम एक बाल्टी दूध नहीं डालेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा। अगर हम सब अपने एफर्ट्स देने की बजाय यही सोच लेंगे कि हमारे एफर्ट से होता ही क्या है, तब तो वाकई कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे तिनके तिनके जितने एफर्ट्स मिलकर जब एक बड़ा रूप लेते हैं तभी कोई बड़ा परिवर्तन आता है। अभी हम सब रामायण देख रहे हैं और राम सेतु से जुड़ी एक बड़ी प्रचलित कहानी भी आपने जरूर सुनी होगी, गिलहरी की कहानी, जिसमें बताते हैं कि एक छोटी सी गिलहरी बार बार अपने आप की शरीर में रेत लपेट कर आती थी और समुद्र में डुबकी लगाती थी। पूछा गया कि ये क्यों कर रही हो तो बोली, राम सेतु बनाने में मेरा योगदान दे रही हूँ। योगदान छोटा हो या बड़ा, जरूरी नहीं है कि किसी युद्ध को जीतने के लिए आप बॉर्डर पर ही खड़े हो। पीछे से अपने तरफ से अपनी जगह पर रहकर जो आप कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूशन ईमानदारी से दे दीजिए, यही काफी होगा। और इस समय हमारे देश को, शहर को इसी कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। प्लीज डू योर बिट। 94.3 माय एफएम से मैं विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।